हेलो फ्रेंड्स, इंडियन स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। वो क्या था? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाके वहाँ से देख लीजिए। आज हमारा दूसरा पार्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो क्या होती हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक्स, इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो सीडेटिव और हिप्नोटिक्स, ये तक इनके लिए दवाएं, पहले ये समझिए कि इनके लिए दवाएं कोई अलग नहीं होती हैं, दोनों की दवा सेम होती है, सिर्फ डोजेस का फर्क होता है। अब सीडेटिव और हिप्नोटिक क्या होता है? सीडेटिव वो दवाएं होती हैं जो किसी भी आदमी के एक्साइटमेंट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है तो उसको कम करती हैं, आदमी को अंदर कामनेस लाती हैं, यानी उसको थोड़ा सा ठंडा करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि आपने बहुत अच्छे से पूरे साल तैयारी की, ठीक, और बहुत अच्छे से लिख के भी आए आप, और बाहर से आपको एक्सटर्नल मार्क्स अच्छे मिले, लेकिन आपके कॉलेज वालों ने क्या किया, आपके साथ धोखा किया। आप रोज़ाना क्लास भी जाते थे, टीचरों के रिस्पेक्ट भी करते थे, सेशनल एग्ज़ाम भी दिया, सब कुछ किया, प्रैक्टिकल भी दिया, प्रैक्टिकल भी करते थे, सब कुछ आपने किया अच्छे से, लेकिन इंटरनल मार्क्स उन्होंने आपके काट लिए। सारे बच्चों को तो उन्होंने क्या किया, 20-20 नंबर दिए, और आपको दिए उसने 10 नंबर, 8 नंबर, तो आपको गुस्सा आएगा। क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, गालियाँ बकेंगे उनको, ये सालों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये हो रहा ना, आदमी एक्साइटेड हो रहा है थोड़ा सा। तो ऐसी कंडीशन में आदमी को क्या, थोड़ी सी नींद भी उसकी उड़ जाती है, अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी। तो इस एक्साइटमेंट को, इमोशन को, आदमी के टेंशन को ख़त्म करने के लिए, काम डाउन करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीडेटिव बोलते हैं। होप के समझ में आ गया होगा, यानी आदमी के एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने वाली, आदमी के टेंशन को, एंजाइटी को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीडेटिव। तब आपके साथ ये हो जाता है तो आपको नींद नहीं आएगी। अब आप मान लीजिए सो रहे हैं बिस्तर पर, नींद नहीं आ रही, टेंशन में है, इधर उधर क्या है, उलट पुलट रहे हैं। तब आपको अगर मैं सीडेटिव दे दूं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है डायज़ेपाम, तो अगर मैं आपको सीडेटिव दे दूंगा तो आप क्या करेंगे, आराम से सो जाएंगे, सुबह आराम से उठेंगे। अब हिप्नोटिक क्या होता है? हिप्नोटिक दवाएं ये होती हैं जो आदमी को, मतलब जो इसे नॉर्मली आदमी सोता है ना, उसी जैसी नींद दिलाने के लिए, इसी को बोलते हैं कि रिजेंबलिंग द रियल स्लीप, यानी जो एक्चुअल स्लीप है उसी जैसी आदमी को नींद दिलाने के लिए जो दवाएं दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग हिप्नोटिक। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा एनेस्थेसिया के बारे में, अभी मैंने इससे पहला जो पार्ट था उसमें पढ़ाया है। तो आदमी को उसमें ऑपरेशन के दौरान उसको क्या होता है, सुलाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन कर दिया, फिर उसके बाद भी उसको ये ज़रूरत होती है कि अभी ये 8-10 घंटा सोता रहे, ताकि उसको दर्द वगैरह ना हो, हिले डुले ना, ताकि उसका ज़ख्म जो भी है वो भर जाए आसानी से। नहीं तो अगर अभी से वो उठ जाएगा, हिलेगा डुलेगा, दर्द होगा, तो वो दिक्कत होगी उसको। तो उसको ज़्यादा सुलाने के लिए 8-10 घंटा सोता रहे, 5 घंटा सोता रहे, तो जो दवाएँ दी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोटिक्स। अब सीडेटिव और हिप्नोटिक में फ़र्क क्या है? तो सीडेटिव के लिए जो दवा हम दे रहे थे उसी दवा को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो वो हो जाती है हिप्नोटिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है सीडेटिव। तो हम लोग अब डेफिनेशन देख रहे हैं, तो सीडेटिव क्या होता है? सीडेटिव्स आर दोज ड्रग्स विच रिड्यूस एक्साइटमेंट, इमोशंस, टेंशन एंड इंड्यूस कामनेस। ये कह रहे हैं कि ये वो दवाएं होती हैं जो एक्साइटमेंट को कम करती हैं, इमोशन को कम करती हैं। आदमी जज्बात में आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, उसको बोलते हैं इमोशन, और ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ऐसे टेंशन में है तो उसको भी कम करती हैं दवाएं, और क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं कामनेस, यानी आदमी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करती हैं, कामनेस लाती हैं उसके अंदर, थोड़ा सा आदमी को ठंडा कर देती हैं। ठीक, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटी एन्जाइटी, और ऐसे आदमी का बहुत मतलब घबराहट में है तो भी ये दवाएं यूज होती हैं उसके एन्जाइटी को कम करने के लिए। और हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स आर दोज ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप। ये दवाएं क्या करती हैं, आदमी को सुला देती हैं, नींद में ले जाती हैं, चूँकि डोज बढ़ गया है, जस्ट लाइक नेचुरल स्लीप, जैसे कि आदमी नेचुरल स्लीप होता है उसी जैसी, यानी इसको नींद और बढ़ा देती हैं ये दवाएं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज सीडेटिव ड्रग्स डोज देन दे प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि जो सीडेटिव दवाएं हैं उसी के डोज को अगर हम बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होता है, हिप्नोटिक इफेक्ट दिखाने लगती हैं दवाएं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहला है यूरिया डेरिवेटिव्स, यानी यूरिया जो है एक तरीके का, तो उसी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ला के ये दवा बनाई गई है। तो उसको एक उसमें से टाइप होता है बारबिट्यूरेट, यूरिया डेरिवेटिव्स में से एक टाइप होता है क्या, बारबिट्यूरेट। तो अब ये तीन तरीके की हैं, यानी उनके टाइमिंग के हिसाब से, एक है जो क्या लंबे समय तक काम करेगी उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट, उसके एग्जांपल क्या है, फेनोबारबिटन, मेफोबारबिटन। ठीक है, दूसरा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट,
यानी ये इससे थोड़ा कम टाइमिंग तक मतलब इसका असर रहेगा। ये मान लीजिए 8 घंटे काम कर रही है तो ये 4 घंटे के लिए है, मतलब ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से इनकी टाइमिंग है। ये मान लीजिए 8 घंटे है तो 4 घंटे या उससे भी कम 10-15 मिनट के लिए, तो इस तरीके से ये दवाएँ इनकी टाइमिंग के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये जो है ये क्या है, ब्यूटोबार्बिटोन और क्या है सेकोबार्बिटोन, ये क्या है शॉर्ट एक्टिंग के लिए है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यानी बहुत कम टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट इस टाइप के लिए जो मतलब इफेक्ट दिखाती हैं, तो वो क्या है थियोपेंटन और हेक्सोबार्बिटन। अब दूसरी जो है वो क्या है बेंजोडाइजेपिन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाएँ हैं। बेंजोडाइजेपिन क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे डायाजेपाम, क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलाम, निट्राजेपाम, फ्लोराजेपाम, कुल सारे हैं इस टाइप के। अब ये क्या है तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, यानी ये बेंजोडाइजेपिन ये सब क्या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इनके ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नॉन बेंजोडाइजेपिन है तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे जोपिकलोन, जोल्पीडेम, ठीक। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली दवाएं हैं, तो उस पे तो इनका इफेक्ट दिखेगा ही, तो ये क्या करती है इसको डिप्रेस कर देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और फिर क्या करती हैं सीडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट क्या करती हैं कॉज करती हैं। ओवरडोज कैन कॉज डेथ, और अगर इसकी जो क्या कहते हैं डोज है, मान लीजिए 1 mg 2 mg लेना है, 10 mg दे दिया, 20 mg दे दी किसी को, तो ओवरडोज अगर हो गया तो ये डेथ भी क्या कर सकती हैं क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि ये रेस्पायरेटरी और वेसोमोटर सेंटर को क्या करती है डिप्रेस्ड कर देती हैं। अब रेस्पायरेटरी सेंटर क्या होता है, जैसे कि हमारा मेडुला है तो वो क्या करता है हमारे रेस्पायरेटरी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही वेसोमोटर सिस्टम क्या होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे कि कभी तो ये हमारे मतलब ब्लड वेसल्स है, कभी इनको सुकड़ाता है, कभी डायलेट करता है जैसी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए करना था हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट और वो कॉन्स्ट्रिक्ट ही रह गई, क्या है वो जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट रह गई, तो अब आदमी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, डेथ हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है डिप्रेस कर देती है वेसोमोटर सेंटर को और रेस्पायरेटरी सेंटर को। दूसरा क्या है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तो वो क्या है दे लोअर ब्लड प्रेशर, तो ये दवाएं जो होती है ब्लड प्रेशर को लो कर देती हैं, ऐसे रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को भी क्या करती है लो कर देती हैं डाउन कर देती हैं। कार्डियक आउटपुट क्या है ये मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल के साथ में, अगर आपको याद हो आपने पढ़ा होगा। हाँ चलिए बताइए, आपने अगर फार्माकोथेरापेटिक पढ़ा होगा, एक ही चैप्टर मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं अभी, तो फार्माकोथेरापेटिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि क्या होता है कार्डियक आउटपुट। अगर आपको याद है कि क्या होता है कार्डियक आउटपुट तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इंड्यूस वेसोडाइलेशन, और ये क्या करता है वेसोडाइलेशन करता है, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको भी क्या करते हैं ये डायलेट कर देती हैं ये दवाएँ। अब इसके इंडिकेशन क्या है, यानी कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती हैं, तो दे आर यूज एज ए सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर आपको यूजेस याद नहीं आ रहे तो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर आपको ये तो याद होगा कि ये किस टॉपिक की दवाएं हैं, तो एक यूज़ उसका आप वो बना दीजिए, ठीक। दूसरा क्या है दे आर यूज्ड, यहाँ पे यूज लगा लीजिए, दे आर यूज एज एंटी कन्वल्जेंट, ये एंटी कन्वल्जेंट के तौर पे यूज़ होती हैं। एंटी कन्वल्जेंट ये समझिए कि एक मिर्गी की बीमारी होती है, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तीसरा क्या है दे आर यूज एज एनेस्थेटिक, और ये दवाएं एनेस्थेटिक में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एनेस्थेटिक ड्रग्स और दूसरी एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ में, ठीक। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोरफायरिया। अब ये पोरफायरिया क्या होता है, मैं इसको एनेस्थेटिक वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। पोरफायरिया का मतलब होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर एक प्रोटीन होता है पोरफायरिन, तो जब वो ओवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका सिक्रेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं पोरफायरिया, तो उसमें भी ये दवाएँ नहीं दी जाएंगी। ऐसे ही दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर एंड किडनी डिसीज, अगर किसी को लीवर की या किडनी में दिक्कतें हैं, बीमारी हैं, तो उसको भी ये दवाएँ नहीं दी जाएंगी। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी डिसीज, ऐसी किसी की अगर लंग्स में दिक्कतें हैं, किसी को अस्थमा वगैरह इस टाइप की बीमारी है, एडिमा है, तो भी ये दवाएं उसको नहीं दी जाएंगी। अब इनके डोजेस क्या हैं, तो हम लोगों ने 3 दवाएं ली हैं, एक है डायाजेपाम जो ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, तो इसके टेबलेट्स आते हैं, तो कितना इसका डोज होता है, तो क्या है 2 mg या 5 mg या 10 mg तक इसको क्या करते हैं देते हैं, कितना 2 या 5 या 10 mg तक देते हैं। और ये जो दवाएं हैं इसको बड़ा मतलब केयरफुल होकर दी जानी चाहिए, वरना तो ये क्या है डेथ करा सकती हैं, आदमी की मौत का सबब बन सकती हैं, ठीक।
एंड स्लो रिलीजिंग कैप्सूल 15 mg, और इसका क्या स्लो रिलीजिंग कैप्सूल भी आता है, यानी धीरे धीरे वो दवाएं क्या होती है रिलीज होती हैं, पूरी एक बार में रिलीज नहीं होती हैं, उसको एक्सटेंडेड रिलीज भी बोलते हैं कभी कभार। ऐसे ही क्या अल्प्राजोलाम, तो इसकी भी टेबलेट आती है, कितना इसका डोज है 0.25, ठीक है 0.25 mg या 0.5 mg यानी आधा mg या 1 mg या तो 2 mg, ज़रूरत के हिसाब से ये दवाएं यूज़ होती हैं, ठीक। और तीसरा क्या क्लोनाजेपाम, तो इसका इंजेक्शन भी आता है और टेबलेट भी आते हैं, ये भी क्या इसी के जैसा है, यानी 0.25, 0.5 एंड 1 एंड 2 mg तक की ये दवाएं यूज़ होती हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे, जो आपका सिडेटिव और हिप्नोटिक है ये क्या है कम्प्लीट होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो होगा हमारा एंटी कन्वल्जेंट। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।